देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। धर्म में आज बात किसी देवी या देवता की नहीं बल्कि एक ऐसे वृक्ष की होगी जिसकी महिमा है अपरंपार। इस वृक्ष के दर्शन होते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां भक्त इन्हें पुकारते हैं भगवान सिद्धवट के नाम से। यहां सिर्फ एक एक लोटा दूध चढ़ाकर आप न केवल मुंह मांगी मुराद ले सकते हैं बल्कि पितृ और काल सर्प दोषों से भी मुक्ति पा सकते हैं। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। एक लोटा दूध दिखाएगा चमत्कार, सिद्धवट भगवान का मिलेगा आशीर्वाद, पितरों को मिलेगी मुक्ति, खुल जाएंगे वैकुंठ के द्वार, कच्चे धागे से पूरी होगी हर मन्नत, पार्वती संग शिव देंगे दर्शन आज। दूध की धार दिलाती है महादेव का वो वरदान जिसे पाना नहीं होता सबके वश की बात। शिव की नगरी उज्जैन, जहां कण कण में बसे हुए हैं शिव, इसीलिए तो यहां सभी देवता भी पूजे जाते हैं लिंग रूप में। उनमें से ही एक हैं भगवान सिद्धवट। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे बना है वो सिद्ध स्थान, जिसे भक्त सिद्धवट के नाम से पुकारते हैं। यहाँ केवल एक लोटा दूध पूरी कर सकता है आपकी हर मनोकामना। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये जानने से पहले सुनिए क्या है भगवान को एक लोटा दूध चढ़ाने की महिमा। भगवान सिद्धवट के इस धाम में कच्चा दूध चढ़ाने का बड़ा महत्व है। वैसे तो भक्त रोज ही बड़ी संख्या में यहाँ आकर दूध चढ़ाकर भगवान सिद्धवट से आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करते हैं, लेकिन अमावस्या की हर चतुर्दशी को यहाँ दूध चढ़ाने का अलग ही महत्व है। साथ ही जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है वो साल भर तक हर चतुर्दशी को यहाँ आकर नियमित रूप से दूध चढ़ाता है। कहते हैं यहाँ दूध चढ़ाने से पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है, साथ ही काल सर्प दोषों से मुक्ति पाने के लिए की जाती है विशेष पूजा। यहाँ पर काल सर्प योग का पूजन होता है, नाग बलि नारायण बलि होती है, और विशेष करके श्राद्ध पक्ष में 15-16 दिन तक लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। वैसे पूरे वर्ष भर कच्चा दूध चढ़ता है, हर महीने की चतुर्दशी अमावस की जो होती है और पूर्णिमा की चतुर्दशी को कच्चा दूध चढ़ाने के लिए हजारों लाखों लोग यहाँ पर हर चतुर्दशी को आते हैं। शिव शिव। पुराणों में सिद्धवट को कल्प वृक्ष भी कहा गया है, इसी कारण से यहाँ भक्त रक्षा सूत्र बांधकर भी मन्नत मांगते हैं। जिन भक्तों की गोद सूनी होती है वो यहाँ संतान की कामना लेकर आते हैं और ले जाते हैं खुशियाँ। भगवान सिद्धवट के धाम में जितना महत्व भगवान की पूजा का है उतना ही अनोखा है यहाँ भगवान का श्रृंगार। सबसे पहले भगवान का लाल रंग से किया जाता है लेपन, उसके बाद चंदन घोट कर होता है भगवान सिद्धवट का अद्भुत श्रृंगार। श्रृंगार की परंपरा के तहत मंदिर के पुजारी के द्वारा भगवान सिद्धवट को मुखौटा पहनाया जाता है और मुखौटे में सजे बाबा सिद्धनाथ का स्वरूप बेहद आकर्षक नजर आता है। यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक वट वृक्ष लगा है जिसकी हम दूध से पूजा करते हैं और यहाँ पर हमारे पूर्वजों की मुक्ति आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। श्रृंगार के बाद प्रारंभ होती है सिद्धनाथ की आरती। आरती के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो जाते हैं। शिप्रा नदी का तट शंख घंटी नगाड़ों चांज मंजीरों और तालियों की ध्वनि से गूंज उठता है। श्रद्धालु भक्ति भाव से सिद्धनाथ की आरती करते हैं। आरती में शामिल श्रद्धालु अपने शुद्ध बोध खोकर सिद्धनाथ के ध्यान में खो जाते हैं। कहते हैं सिद्धवट को शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिला हुआ है और जो कोई भक्त एक लोटा दूध चढ़ाकर बनता है भगवान के श्रृंगार का गवाह, उसे सिद्धवट के साथ साथ महादेव और गौरी का वरदान भी मिल जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।
सिद्धवट मंदिर में मौजूद कल्प वृक्ष को साक्षात महादेव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे मां पार्वती ने घोर तप किया था, तो वहीं भगवान कार्तिकेय को भी सिद्धियां प्राप्त हुई थी, जिसके बाद भगवान शिव ने इस स्थान को सिद्ध होने का आशीर्वाद दिया। सदियां गुजर गईं, युग बदल गए, लेकिन ये स्थान अभी भी हर आने जाने वाले को सुना रहा है कहानी उन पलों की, जब उमा रूप में पार्वती ने औघड़ दानी शिव को पति रूप में पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। शेष गंग अरधंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। उज्जैन का सिद्धवट मंदिर जहां मां पार्वती ने की तपस्या। उज्जैन का सिद्धवट मंदिर ही वो स्थान है जहां महादेव को पति रूप में पाने के लिए मां पार्वती ने एक वृक्ष रोपा और फिर उसी वृक्ष के नीचे बैठकर शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की। कहते हैं जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने पार्वती को संगिनी के रूप में तो स्वीकार किया ही, इस वट वृक्ष को भी आशीर्वाद दिया कि जो कोई यहाँ आकर दूध अर्पित करेगा, पूजा करेगा, उसे महादेव का वरदान भी मिल जाएगा, पितरों को मोक्ष मिलेगा और हर मनोकामना के पूर्ण होने का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इस धाम से जुड़ी एक और मान्यता है जो इसे विशेष दर्जा दिलाती है। कहते हैं ताड़कासुर राक्षस ने एक बार इंद्रदेव से उनका समस्त राजपाट छीन लिया था, तब सभी देवता महादेव की शरण में जा पहुँचे। महादेव ने कार्तिकेय को इस काम को पूर्ण करने का आदेश दिया। कहते हैं इसी सिद्धवट वृक्ष के नीचे कार्तिकेय ने सिद्धियां प्राप्त की और भोजन भी ग्रहण किया। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और शिव ने इस वट वृक्ष को सिद्ध होने का वरदान दिया। साथ ही इसी स्थान पर उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने इस सिद्धवट के नीचे तपस्या कर वेताल को अपने वश में किया था। कहते हैं संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो या कष्ट हो, यहाँ आकर पूजा करने से सभी का निवारण हो जाता है। संतान की कामना लेकर आने वाली महिलाएं यहाँ पूजन कर मन्नत का एक रक्षा सूत्र इस वृक्ष को बांधती हैं और भगवान सिद्धवट की कृपा से जल्दी ही उनकी सूनी गोद भर जाती है। यूं तो इस सिद्ध क्षेत्र में श्रद्धालु अपने पितरों को शांत करने और काल सर्प दोष दूर करने पहुँचते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य में सिद्धनाथ बाबा को निमंत्रित करना नहीं भूलते। भगवान सिद्धनाथ के लिए मंदिर के पुजारी के नाम से श्रद्धालु मांगलिक कार्य का निमंत्रण पत्र सिद्धवट को भेंट करते हैं और भगवान के आशीर्वाद से भक्तों के सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। माता पार्वती के द्वारा स्थापित वट वृक्ष वो है, यहाँ पर पितरों की शांति के लिए दूध चढ़ाया जाता है, काल सर्प दोष का निवारण होता है, यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। महाकाल की नगरी के कण कण में महादेव का बोलबाला है, लेकिन इस सिद्धवट वृक्ष का अपना एक अलग ही महत्व है, और हो भी क्यों ना, जिसे स्वयं माँ पार्वती, शिव और कार्तिकेय का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसकी महिमा भला कैसे किसी से कम हो सकती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। एक ही छत के नीचे अगर शिव संग हो जाए पूरे परिवार के दर्शन, जी हाँ, महादेव का एक ऐसा दरबार जहाँ माँ पार्वती के ममतामयी और वात्सल्य रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है और जहाँ उनकी गोद में पाल रूप में गणपति देते हैं दर्शन, जो देश भर में प्रसिद्ध हैं पार्वती तुकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से। तो चलिए आप भी हमारे साथ इंदौर और कीजिए शिव परिवार के इस मनमोहक रूप के दर्शन। पारिवारिक क्लेश से हैं परेशान, संतान सुख से वंचित हैं आप, मुकदमों के जाल से कैसे मिले निजात, महादेव के दरबार में मिलेगा हर समस्या का समाधान। परिवार संग भोलेनाथ देंगे आशीर्वाद। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। अपने चमत्कार से भक्तों का दुख हरने वाले महादेव जब साक्षात पूरे परिवार संग लिंग रूप में विराजमान हो, तो भला कैसे ना हो चमत्कार।
इंदौर में भोलेनाथ का ऐसा ही अनोखा रूप देखने को मिलता है, जहां भक्त का भगवान की शक्ति से होता है साक्षात्कार। मध्य प्रदेश के इंदौर में केसरबाग क्षेत्र में स्थित तुकेश्वर महादेव के नाम से मशहूर इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं भोले भंडारी के गृहस्थ जीवन के। इस मंदिर में जितना चमत्कारी महादेव का रूप है उतनी ही आकर्षक है सफेद संगमरमर से बनी माँ पार्वती की प्रतिमा, जिसमें उनके ममतामयी और वात्सल्य रूप के दर्शन होते हैं। माँ पार्वती के एक हाथ में कलश है तो वहीं गोद में स्तनपान कर रहे बाल गणेश जी हैं, जो जीवंत दिखाई देते हैं, जबकि ठीक सामने शिव जी लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में माता पार्वती, श्री गणेश और महादेव के एक साथ दर्शन से पारिवारिक जीवन से कलह का अंत होता है और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। माता पार्वती, उनकी गोद में श्री गणेश की मूर्ति और शिवलिंग का दर्शन हर भक्त के मन में दाम्पत्य रिश्तों में समर्पण की भावना और संतान के लिए स्नेह का भाव पैदा करते हैं। लेकिन मन्नत पूरी होने पर भक्तों को निभानी होती है एक छोटी सी रस्म। मुराद पूरी होने पर भक्तों को चढ़ाना होता है बस एक नारियल, और अगर संतान की खुशियों से भगवान ने किया है आपका जीवन रोशन तो बच्चे का एक वस्त्र चढ़ाकर भक्त प्रकट करते हैं भगवान के प्रति अपना आभार। यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, किसी को संतान नहीं होती है उसके लिए, किसी की शादी नहीं होती है, किसी को कुछ भी अपने घर की कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सब लोग आते हैं और उनकी मनोकामना माँ पार्वती और भोलेनाथ करते हैं। मेरे मन में ये कामना थी कि मेरी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, तो इस साल मुझे बहुत अच्छा सा बेटा मिला, सब कुछ अच्छे से निपट गया और तब से मेरे घर में बहुत सुख शांति है। मैं आई हूँ शिव के द्वार पूजा करने को। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसका कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है और देवी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की ऊंचाई 75 फीट और चौड़ाई करीब 30 फीट है। पूरा मंदिर मराठा, राजपूत और आंशिक रूप से मुगल शैली में बनकर तैयार हुआ है।